गवा से, और आज मुझे महिला थाने में महिला अध्यक्ष का स्वागत करते हुए बहुत सम्मान किया और बहुत खुशी हुई कि यहाँ फिरोजाबाद में भी महिलाओं की एक अलग पहचान है, और मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में ही महिलाओं का एक अलग पहचान बने देश में, और किसी भी महिला के साथ कोई अन्याय नहीं हो, और दिन पर दिन महिला इतनी तरक्की करें कि जो शायद आज मोदी सरकार ने साकार भी कर दिया है कि हर क्षेत्र में महिला बहुत आगे है। और जब भी मैं पुलिस देश में महिलाओं को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं भी इस लाइन में ही जाना चाहती थी, मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं भी पुलिस की सेवा करूँ, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाई मैं, और आपको देख के ड्रेस में देख के भी मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं सभी महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करती हूँ, और आगे हर महिला से ये भी उम्मीद रखती हूँ कि वो अपनी सेफ्टी करे, और जब भी घर से बाहर निकले तो कोई अगर दिक्कत होती है हमारी जो महिलाएं हैं इनको इन्फॉर्म करके अपनी हेल्प ले सकती हैं, और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगी कि फिरोजाबाद में आप हैं या मैं भी हूँ, फिरोजाबाद में कहीं भी किसी महिला के साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो आप पूरा सपोर्ट करेंगे। स्वागत है हमारे थाने पे, और मेरा प्रयास यही रहता है कि मुझसे न्याय हो, ठीक है। हमारे यहाँ से जो महिलाएं जाती हैं वो निराश होती हैं। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारे मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते, यकीनन सी बात है माशी एतबार से आर्थिक रूप से हम लोग इकोनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं, तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वा वो किसी भी मज़हब से किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है, और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं, BEd मौजूद है, BEd इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है, और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को यह था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं, तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।